brought to you by Techno Spark 20 series smartphones. माफिया नेता मुख्तार अंसारी का जनाजा गाजीपुर के मोहम्मदाबाद से उठा तो दूसरी तरफ बांदा जेल में मुख्तार अंसारी की मौत के मामले की न्यायिक जांच के लिए टीम पहुंच गई। जी हां, मुख्तार अंसारी की बृहस्पतिवार यानी कि 28 मार्च को तबियत बिगड़ने के बाद बांदा जिला जेल से रानी दुर्गावती मेडिकल कॉलेज ले जाया गया था, जहाँ दिल का दौरा पड़ने से उनकी मौत हो गई। हालांकि बांदा के सीजे भगवंत दास गुप्ता के आदेश के मुताबिक मामले की जांच के लिए अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट गरिमा सिंह को जांच अधिकारी नियुक्त किया गया। वरिष्ठ अधीक्षक जिला कारागार बांदा ने 28 मार्च को अंसारी की मौत के मामले की न्यायिक जांच के लिए अधिकारी नामित करने का आग्रह किया। सीजीएम ने जांच अधिकारी से एक महीने के अंदर जांच रिपोर्ट मांगी। इसके पहले कारागार महानिदेशक एस एन सावंत ने कहा कि मामले की न्यायिक जांच होगी। हालांकि तमाम आदेशों के बाद बताया जा रहा है कि जज गरिमा सिंह बांदा जिला जेल पहुंची। आपको बता दें कि मुख्तार के परिजनों ने अंसारी को जेल में धीमा जहर देने का आरोप लगाया था। गाजीपुर के सांसद और मुख्तार के बड़े भाई अफजल अंसारी ने मंगलवार को कहा था कि मुख्तार ने उन्हें बताया था कि करीब 40 दिन पहले भी उन्हें जहर दिया गया और हाल ही में शायद 19 या 22 मार्च को फिर ऐसा किया गया, जिसके बाद से उनकी हालत खराब हुई। बहरहाल माफिया से नेता बने पूर्व विधायक मुख्तार अंसारी का शव कड़ी सुरक्षा के बीच आज गाजीपुर जिले के उनके पैतृक निवास यूसुफपुर मोहम्मदाबाद के निकट कालीबाग स्थित कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक किया गया। इससे पहले मुख्तार की पैतृक आवास से सुबह के समय जनाजा निकाला गया, जिसमें उनके सांसद भाई अफजल अंसारी, बेटे उमर अंसारी और भतीजे विधायक सुहेब अंसारी समेत परिवार के सदस्य तथा समर्थक शामिल रहे। बांदा से सिद्धार्थ गुप्ता की रिपोर्ट, यूपी तक।